दुनिया के कई मुल्कों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हम सभी जानते हैं। बावजूद इसके जिंदगी जिंदाबाद है। जिंदा दिल्ली की एक ऐसी ही तस्वीर अंटार्कटिका से सामने आई है, जहां -35 डिग्री तापमान में ब्राजील के एक अल्ट्रा रनर ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बड़ी बात इसमें देखने वाली यह है कि आम पर्वतारोहियों को इस पहाड़ के शिखर तक पहुंचने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, जबकि ब्राजील के इस पर्वतारोही ने सिर्फ 9 घंटे 41 मिनट में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया है। शून्य से काफी नीचे तापमान में हौसले और जज्बे से भरी ये तस्वीरें अंटार्कटिका की हैं। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहे जाने वाले इस इलाके में भी जोश हाई है। ब्राजील के अल्ट्रा रनर फर्नांडा मैकिल अंटार्कटिका की बर्फीली धरती को कदमों से नाप रही हैं। अंटार्कटिका में तापमान इस वक्त -35 डिग्री है। चारों ओर बर्फ का साम्राज्य है। जमीन पर पहाड़ों की चोटियां सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है। पूरे साल अंटार्कटिका बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ सूरज कभी अस्त नहीं होता, तो सर्दी में सूरज कभी दर्शन नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि अंटार्कटिका की धरती पर खड़े होने के लिए भी शारीरिक और उससे भी ज्यादा मानसिक तौर पर काफी मजबूत होना पड़ता है। ऐसे माहौल में फर्नांडा मैकिल ने यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई कर एक नया इतिहास रच दिया है। फर्नांडा मैकिल ने यह सफर 9 घंटे 41 मिनट में पूरा किया। उन्हें शिखर पर पहुंचने में 6 घंटे 40 मिनट लगे, जबकि उतरने में 3 घंटे 1 मिनट का समय लगा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। Aligned, you know, and you could have, you had so much fun in the go down in this 1,200 meters rope in this steep wall. It was so funny to run that. It's crazy. Just one hand on the rope and you go back. फर्नांडा की ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ पोल से इसकी दूरी 1200 किलोमीटर है। एक तरह से ये खड़ा पहाड़ है। और चोटी तक पहुंचने के लिए 4800 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती है। चोटी तक पहुंचने के लिए इस दूरी को तय करने में आमतौर पर 5 से 7 दिन लगते हैं। फर्नांडा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती अंटार्कटिका के विपरीत मौसम से लड़ते हुए आगे बढ़ना था। -35 डिग्री का पारा ठंडी बर्फीली हवा से लड़ते हुए जब ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई अलग हो रही थी। ऊपर से चश्मा पर भी बार बार बर्फ जम रही थी, लेकिन फर्नांडा ने हार नहीं मानी। ऐसी मुश्किल चोटी पर रिकॉर्ड टाइम में फतह कर ब्राजील के इस पर्वतरोही ने साबित कर दिया है कि कोई चुनौती इंसान के जज्बे और हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्पेन में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। प्रचंड ठंड और भीषण हिमपात से ऐसा लग रहा है स्पेन मानो हिमयुग के दौर में लौट आया हो। बावजूद इसके स्पेन के बाशिंदे जिस तरह मौसम की दुश्वारियों को मात देकर जिंदगी जिंदा दिली से जी रहे हैं, उसे कहना गलत नहीं होगा कि इनके हौसलों के आगे ठंड ने भी घुटने टेक दिए हैं। आसमान से बरसती बर्फ की फुहारों ने पूरे प्रदेश को मानो बर्फ का शहर बना दिया हो। घर, जमीन, सड़क, पेड़, पौधे, सभी कुछ सफेद हो चुके हैं। घर की छत और दीवारें मानो बर्फ की बन गई हो। पेड़ पौधों की हरियाली सफेदी में समा चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई हिमयुग हो, जहां बर्फ के सिवा कुछ और नहीं।
यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार स्पेन की ये तस्वीरें सैलानियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं। खून जमा देने वाली ठंड ने पूरे स्पेन को अपनी चपेट में ले लिया है। स्पेन के बास्क प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट हुई है। खेत खलिहान पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इंसान तो इंसान, जानवर भी ठंड से बेहाल हैं, लेकिन फिर भी मानो ये ठंड को चुनौती दे रहे हों। भीषण ठंड और बर्फबारी की वजह से माइनस पारे के बावजूद यहाँ जिंदगी जिंदाबाद है। स्पेन की रफ्तार को बर्फबारी ने ब्रेक जरूर किया है, लेकिन इसे रोक नहीं पाई है। हिमपात में भी स्पेन के बाशिंदे अपनी रोजाना की दिनचर्या में जुटे हुए हैं। कोई सामान लेकर जा रहा है तो कोई अपने दफ्तर जा रहा है। ये बुजुर्ग कार पर जमी बर्फ को हटाकर अपनी मंजिल की ओर कूच करने की तैयारी में है। स्पेन की रफ्तार को कायम रखने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। करीब 128 सड़कें बर्फबारी से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, लेकिन जल्द ही प्रशासन ने सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर को मशीनों की मदद से हटाना शुरू कर दिया। ट्रेनों की पटरी पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। जानकारी के मुताबिक उत्तरी स्पेन का बड़ा इलाका अभी ऑरेंज स्नो की चपेट में रहेगा। शुक्रवार के बाद स्पेन वासियों को भीषण बर्फबारी से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए अब आपको रूस लेकर चलते हैं, जहां इन दिनों प्रचंड ठंड पड़ रही है। तस्वीर देखिए रूस के याकुत्स्क शहर की है। मॉस्को से लगभग 5000 किलोमीटर दूर बसे इस शहर में इस वक्त पारा -52 डिग्री तक गिर चुका है। वातावरण इस कदर ठंडा हो चुका है कि नूडल बनाकर खाए जाने से पहले ही बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। मतलब नूडल्स के प्लेट से मुंह तक पहुंचने के बीच में सर्दी खाने तक को जमा देती है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो देखिए, साइबेरिया के याकुत्स्क इलाके का बताया जा रहा है। पूर्वी रूस में साइबेरिया का ये इलाका भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। याकुत्स्क में बेहद कम आबादी रहती है, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 10 लाख से भी कम लोग रहते हैं। इस बार तो यहाँ ठंड और भी नए रंग दिखा रही है। बावजूद इसके कि -52 डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड में जिंदगी लगातार जिंदाबाद है। प्रचंड ठंड के बावजूद जिंदगी गुलजार है, लोगों के चेहरे पर स्माइल है। बर्फ के बीच में जिंदगी पूरी गर्मजोशी के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। यहाँ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम का आलम तो ये है कि चारों तरफ सफेद चमक बिखरी है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल तक सब बर्फ से ढके हैं। बद्रीनाथ धाम की सुंदरता को प्रकृति ने मनोरम कर दिया है। पूरा केदारनाथ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है, जैसे प्रकृति ने बाबा केदार की नगरी का बड़े ही जतन से श्रृंगार किया है। चमचम चांदी की तरह चमकते पहाड़, नदी, सब पर बर्फ का कब्जा है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। केदारनाथ धाम का तापमान -15 डिग्री तक पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों की बर्फबारी में केदारनाथ धाम में 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। पिछले 3-4 दिनों से हो रही तेज बर्फबारी की वजह से यहाँ ठंड काफी पड़ गई है। धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य मार्च के पहले हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, और उम्मीद भी है कि मार्च में ही पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो पाएगा। काम करने वाले मजदूर भी गौरीकुंड वापस लौट गए हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार तेज बर्फबारी चल रही है। अधिक बर्फबारी के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है, जिससे पुनर्निर्माण कर्मियों को केदारनाथ धाम में काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम लगभग खाली हो चुका है। यहाँ पर कुछ साधु संत के अलावा आईटीबीपी के जवान ही सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। बद्रीनाथ धाम का भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ बर्फ से पहाड़ लदे हुए हैं।
पुल और सड़कें सफेद चादर से ढकी हुई हैं। झील का पानी जमकर बर्फ बन चुका है। प्रकृति ने इस इलाके को काफी खूबसूरत भी बना दिया है। बद्रीनाथ धाम में मौजूद सरोवर तक जम गया है। छत से टपकता पानी गिरने से पहले ही जम गया है। दुकान मकान प्रतिष्ठान सब बर्फ की आगोश में आ गए हैं। बर्फ से लदे पहाड़ बद्रीनाथ धाम की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। ठंड का आलम ये है कि यहाँ का तापमान -16 डिग्री से नीचे जा चुका है, लेकिन ITBP के जवान सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। पूरे धाम में बस एक चीज की कमी दिखाई दे रही है और वो है श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ से प्रवीण सोनवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बद्रीनाथ की इन भव्य तस्वीरों के बाद अब बात उन तस्वीरों की कर लेते हैं जो बर्फ में जिंदा दिली की कहानी बयां कर रही हैं। घाटी इस वक्त बर्फ की चादर से ढक गई है, यहां नदी तक जम चुकी है, लेकिन यहां की जिंदा दिली पर बर्फ का कोई भी असर देखा नहीं जा सकता। लोग बर्फ के बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट के मजे ले रहे हैं और तो और सरकार से क्रिकेट के नए फॉर्मेट को बढ़ावा देने की लगातार मांग भी हो रही है। पारे ने गोता लगाया तो पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। कश्मीर घाटी में इन दिनों पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। करगिल और द्रास में तो तापमान -21 डिग्री दर्ज किया गया। सुरु नदी पर इस बर्फीली हवा का असर साफ दिखाई दे रहा है। नदी की पूरी ऊपरी परत बर्फ बन चुकी है। बर्फ से ढकी वादियां सैलानियों को खूब लुभा रही है। बर्फबारी का इंतजार यहां के किसानों को भी पिछले 2 बरस से था। पिछले 2 साल से ठीक से बर्फ न पड़ने से किसानों को नुकसान हो रहा था। इस बार हुई बर्फबारी ने यहां के लोगों को बड़ी राहत दी है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार सेब और दूसरी फसलें पिछले साल के नुकसान की भरपाई कर देंगी। करगिल और द्रास ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूसरे तमाम इलाकों में भी जमकर ठंड पड़ रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि बर्फबारी का ये सिलसिला 24 जनवरी तक चलता रहेगा। लेकिन इस बर्फबारी के कुछ दूसरे फायदे भी हैं। यहाँ क्रिकेट का ये मैदान कुदरती है। आसपास के पहाड़ी नजारों को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे, भीषण ठंड और बर्फबारी की वजह से जब जमीन पर बर्फ बिछ गई तो इसने खेल के मैदान की शक्ल ली। तस्वीरें कश्मीर के गुरेज इलाके की हैं, जहां नौजवानों की टीम बैट और बॉल से जोर आजमाइश कर रही है। यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले वैसे तो कई साल से स्नो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसे बड़े पैमाने पर किए जाने की जरूरत है ताकि इसका मजा सैलानी भी उठा सके। गुरेज में विंटर्स में क्रिकेट टूर्नामेंट हमेशा से खेला जाता है और ये जो गांव है मरकूट, ये पिछले कई सालों से ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्नो क्रिकेट की वजह से यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बूस्ट हो सकता है, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए। इसके पहले स्थानीय लोग इस खेल को सिर्फ समय काटने या मजे के लिए खेलते रहे हैं, लेकिन इस बार सेना भी इन लोगों से जुड़ी है और उसने यहां के लिए बाकायदा टूर्नामेंट कराने का फैसला किया है। हालांकि यहां के लोग उपराज्यपाल से डिमांड कर रहे हैं कि इसको बढ़ावा देने के लिए यहां कुछ और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इससे हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें और इन मनुष्यात से दूर रहें। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जनाब मनोज सिन्हा जी से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरीके से आप गुलमार्ग और पहलगाम के अंदर स्नो स्पोर्ट्स खिलाते हैं, इसी तरीके से गुरेज में भी इस तरीके का एक मेला लगाया जाए ताकि बच्चे स्नो क्रिकेट को बूस्ट करने के साथ साथ गुरेज का विंटर टूरिज्म जो है उसको भी फरोग मिल सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी किसी सौगात से कम नहीं। ऐसी बर्फबारी से ही कुदरत को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की ताकत मिलती है। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात -डिग्री में सेना के शौर्य की करते हैं। बर्फ चाहे जितना भी कड़ा इम्तिहान ले, सेना बर्फीले मोर्चे पे ना केवल डटी है बल्कि हर पल मुस्तैद है। सेना ने उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पे माउंटेन वॉरफेयर की अपनी तैयारियों को हर कसौटी पे परखा। चीन सीमा के नजदीक हुई एक्सरसाइज सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। देखिए सेना के शौर्य की अद्भुत तस्वीरें। भारत माता की जय। एक कामयाब के लिए तैयार हो।
14,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री का तापमान, फिर भी भारतीय फौज के रणबांकुरों के जोश में कोई कमी नहीं है। चाहे टारगेट पर निशाना लगाना हो या फिर रस्सी की मदद से ऊंचाई से उतरना, इनके जोश और जज्बे को वहां का सर्द मौसम भी टिका नहीं पाया है। हर भारतीय को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां एलएसी के नजदीक भारतीय फौज की इस टुकड़ी ने माउंटेन वॉरफेयर की हर कसौटी पर खुद को परखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथों में राइफल लेकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते इन जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने का सफल अभ्यास किया। इस दौरान इनके बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। चीन से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना के जवान 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले इलाकों में तैनात होते हैं और यहां पर दिन और रात पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। इस वक्त बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है इन इलाकों में और आने वाले दिनों में ये बर्फबारी कई फीट तक पहुंच जाएगी। जहां तक तापमान की हम बात करें तो तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय सेना के ये बहादुर जवान अपने पूरे बैटल लोड यानी कि 25 किलोग्राम के हथियार और साजो सामान के साथ इस तरह से पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। कुछ महीनों पहले ही भारतीय सेना ने अमेरिकी फौज के साथ मिलकर औली में युद्धाभ्यास किया था और अब चमोली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जवानों ने फिर से माउंटेन वॉरफेयर से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा, जिसके तहत इन जवानों ने रस्सी के सहारे ऊंचाई से उतरने का भी सफल अभ्यास किया। ये तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं औली में भारतीय सेना के माउंटेन वॉरफेयर के स्पेशल ऑपरेशन, जिसमें ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में कैसे स्लिदरिंग के जरिए किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और जो जवान है वो खास तौर से पूरी तैयारी के साथ यानी कि स्कीइंग के साथ ही स्कीइंग के उपकरण, उसका जो 25 किलो लगभग का जो वॉर लोड है जिसमें उसके पर्सनल वेपन हथियार और 24 घंटे तक के खाने पीने का सामान, पूरी तैयारी के साथ इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान जवानों के बीच तालमेल में कोई कमी नजर नहीं आई। इसके लिए अभ्यास से पहले इनको अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया ताकि अगर नौबत जंग की आए या फिर किसी स्पेशल ऑपरेशन पर इन्हें भेजा जाए तो ये जवान पूरी तरह से अपने मिशन में सफल होकर लौटे। भारतीय सेना ऊंची ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में कार्यरत रहती है। कई बार हमें इन इलाकों में कई प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। माउंटेन वॉरफेयर के तहत इन जवानों ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने का भी शानदार प्रदर्शन किया। काउंटडाउन खत्म होते ही राइफल से निकलती ताबड़तोड़ गोलियों ने टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। दुश्मन घने जंगल में छुपा हो या फिर बर्फीले पहाड़ों के अंदर, भारतीय सेना की गोली से बच नहीं सकता और इसीलिए चीन सर पर भारतीय सेना एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करती है। भारतीय सेना को हाल के वर्षों में आधुनिक शिक्षा और राइफल से लैस किया गया है। एक आधुनिक राइफल है, 500 मीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए इसे कारगर हथियार माना जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक भारतीय सेना ये सारी कवायद वक्त वक्त पर इसलिए करती रहती है क्योंकि पड़ोसी चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक घुसपैठ को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा, जिसकी सबसे ताजा मिसाल हाल ही में तवांग सेक्टर में देखने को मिली। मगर भारतीय फौज की मुस्तैदी के चलते चालबाज चीन को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, विस्तारवादी चीन एलएसी के नजदीक अपनी सैनिक गतिविधियों में भी तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है।
बीजिंग के इन्हीं मंसूबों को भागते हुए भारतीय सेना भी एलएसी पर अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। माउंटेन वॉरफेयर के लिए जवानों का ये अभ्यास इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और चलिए बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बुधवार को इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति खास मेहमान होंगे। हालांकि कोविड पाबंदियां हटने के बाद पहली बार हो रहे इस समारोह में दर्शकों की संख्या पहले जितनी तो नहीं होगी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या भी घट गई है। लेकिन ये सब भी सच है कि वायुसेना समेत देश की तमाम दूसरी सेनाओं का वही दमखम इस बार भी आपको नजर आएगा। भले ही जंग पारे से हो, लेकिन जज्बे की कोई कमी नहीं। ये ताकत भारतीय सेना की है। ये तैयारी 26 जनवरी की है। ये तैयारी गणतंत्र के महोत्सव को मनाने की है। सन्नाटे को चीरती जवानों के बूटों की ये टाप एहसास करा रही है कर्तव्य पथ पर उस हौसले का, जिसके बूते हिंदुस्तान के शौर्य और साहस की पताका लहराती है। छब्बीस जनवरी का राष्ट्रीय पर्व इस बार अलग अंदाज में होने वाला है। बीते बरस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होगा। हालांकि इस बार बड़ा बदलाव एक और देखने को मिल सकता है। 2020 से पहले जहां इस कार्यक्रम में 1.25 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करते थे, वहीं अब ये संख्या 42,000 हो सकती है। इसमें भी 32,000 सीटों का प्रबंध आम लोगों के लिए होगा। इसके लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। छब्बीस जनवरी की तैयारियों को लेकर बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस बार मिस्र का 120 सदस्यीय सैन्य दल इसमें शिरकत करने वाला है। साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 23 झांकियों के साथ कर्तव्य पथ पर सबसे बड़ा आकर्षण, या कहें कि रोमांच, लड़ाकू विमानों के फाइटर पास्ट का होगा। इसमें इस बार 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें 23 फाइटर जेट, 18 हेलीकॉप्टर, 8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान और एक पुराना विमान होगा। ये पुराना विंटेज विमान नौसेना का टोही विमान IL-38 होगा। वायुसेना अपनी तैयारियों में अभी से जुट गई है, फिर चाहे वो म्यूजिक बैंड हो या फिर कंटीजेंट मार्च। पहले सुनिए म्यूजिकल बैंड क्या पेश करने वाला है। मेरे बैंड में 72 म्यूजिशियन रहेंगे, जिसमें कि 3 ड्रम मेजर भी साथ में शामिल रहेंगे। टोटल 75 म्यूजिशियन हम लोग साथ में रहेंगे सर। 75 म्यूजिशियन जी सर शामिल रहेंगे। और एक बार ट्यून्स के बारे में अगर बात की जाए तो क्या जी ट्यून्स हम लोग जो कर्तव्य पथ पे इस बार जो हम लोग बजा रहे हैं, जो ट्यून्स हैं वो हैं एस्ट्रोनॉट, स्पेस फ्लाइट, एयर बैटल, लड़ाकू, सारे जहां से अच्छा, बनिहाल, नॉर्थन बॉर्डर। और हर साल की तरह इस बार भी हम लोग सलूटिंग के लिए जो हमने हमारा ट्यून सेलेक्ट किया हो साउंड बैरियर है जी सर। इस बार एयरफोर्स के कंटिजेंट मार्च में महिला अधिकारी लीड करने वाली हैं। कंटिजेंट के साथ पिछले 2 महीने से हम ट्रेन कर रहे हैं। बहुत ही टफ कंडीशंस में हम ट्रेन कर रहे हैं एंड दिल्ली के सर्दियों को भी बीट करना इज अ वेरी बिग टास्क एंड वी बीन डूइंग दैट एंड वी बीन डूइंग दैट बिकॉज वी हैव द प्राइड एंड we are very hopeful that and we are hopeful and sure that we will take the best marching contingent trophy this time. देश की आन बान और शान को नए कलेवर के साथ पेश करने वाले इन जावाजों को देखने का मौका आपके पास भी है। अपनी सीट बुक कराकर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ पलों को ऐतिहासिक बना सकते हैं। अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां श्रीनगर में डल झील के किनारे बीएसएफ के बैंड का एक कार्यक्रम हुआ। इसमें बीएसएफ के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई। इस संगीतमय कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे।
झीलों की नगरी उदयपुर में एक मॉक ड्रिल हुई। इसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। ये मॉक ड्रिल फतेह सागर झील में हुई और इस मॉक ड्रिल के जरिए झील में किसी अनहोनी के दौरान लोगों की जान बचाने के तरीकों को परखा गया। इस दौरान झील में कई बोट तैरती हुई दिखाई दी, फिर एक बोट पर सवार कुछ लोगों ने एक एक कर झील में छलांग लगा दी। इसके बाद नाव पर बचे आखिरी आदमी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस ड्रिल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि मुश्किल वक्त में किस तरह से लोगों की जान बचाई जानी चाहिए। बाद में एनडीआरएफ के जवान अपने कंधे पर उठाकर लोगों को बाहर लेकर आए और उनका इलाज किया गया। इस पूरी ड्रिल का यही मकसद था कि अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। तो आज हमने जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ सिविल डिफेंस सभी एजेंसियों को बुला करके यहाँ पे आज मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सिनेरियो होते हैं कि जिसमें यदि आदमी तैरना नहीं आता, डूब रहा है, तो उनको किन किन विधियों से बाहर निकाल सकते हैं, किन किन विधियों से यदि गांव वाले डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं, घर के किन किन सामानों का यूज करके जो बच सकता है आदमी, घर के बर्तन यूज करके बच सकता है, थर्माकोल का यूज करके बच सकता है, इस प्रकार की विधियाँ, जैसे घर में 20 लीटर के 15 लीटर के कैन होते हैं उनका 2-3 का यूज करके बच सकता है, राफ्ट बना सकता है, उनका बॉल होती है उनसे बना सकता है, नारियल से बना सकता है, पानी की बोतलों से बना सकता है, जो सबके घर में पानी की खाली बोतलें पड़ी रहती हैं, यदि वो 5-6 बोतलों को यदि रस्सी से बांध ले और अपनी चेस्ट के ऊपर बांध ले तो वो भी उसको फ्लोट करवाती रहती है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 122 गांव तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल बाइक एम्बुलेंस की सुविधा सिर्फ 3 गांव के लिए शुरू की गई जो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस एम्बुलेंस से न सिर्फ मौके पर इलाज किया जाएगा बल्कि अगर जरूरत हुई तो मरीज को अस्पताल पहुंचाने का काम होगा। इसके लिए बाइक में एक स्ट्रेचर भी जोड़ा गया है जिसमें मरीज आसानी से लेटकर अस्पताल पहुंच सकता है। इस बाइक एम्बुलेंस का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को मिलेगा। अब बात होगी खाकी की दिलेरी की। इस खबर को देखकर आप और हम नारी शक्ति पर गर्व से भर जाएंगे। असल में बिहार के हाजीपुर में 2 लेडी कांस्टेबल बैंक लूटने आए 3 हथियारबंद लुटेरों से भिड़ गईं। इसके बाद लुटेरों को अपनी जान बचाकर वहां पर से कैसे भागना पड़ा, देखिए इस कहानी में। खाकी में नारी शक्ति की दिलेरी का ये वीडियो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का है। बिहार के हाजीपुर के सदर थाना इलाके के सेंदवारी के इस ग्रामीण बैंक में तब 2 महिला सिपाही तैनात थी जब उनकी भिड़ंत लुटेरों से होती है और दोनों अपनी जान पर खेलकर बैंक को लूटने से बचा लेती है। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों महिला सिपाही अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, तभी सफेद शर्ट वाला एक लुटेरा मौका देखते ही पिस्टल तान देता है। चंद सेकंड के भीतर काली शर्ट वाला लुटेरा भी पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन अदम्य साहस दिखाते हुए दोनों कांस्टेबल लुटेरों से भिड़ जाती है। दोनों वीरांगनाओं का हौसला देख तीनों लुटेरे किसी तरह से भाग निकलते हैं। हम बोले कि तीनों को काम है, तो बोला कि हाँ तीनों को काम है, तो हम बोले पासबुक दिखाइए, तो पासबुक दिखाया ही नहीं, सीधे पिस्टल भिरा दिया। तो हमको पिस्टल भिराया तो हम भी इसको अथी किया, तो बस हमको उछीने लगा राइफल, तो मेरा दांत भी टूट गया इसी चक्कर में, हाथ में चोट लगा। फिर इनको हम लेके भागे इधर की फायरिंग करेंगे, तो इनको छीन लिया, इनसे छीनने लगा, तो बहुत घिंचा घिंची किया हम, जब तक मैं फायरिंग करने लगे तो भाग आए छोड़ कर। इन महिला सिपाहियों की दिलेरी देख लुटेरे ऐसे पस्त हुए कि अपनी बाइक तक छोड़कर पैदल ही भाग निकले। इन दोनों सिपाहियों की बदौलत बैंक लूट की एक बड़ी वारदात टल गई। बहुत अच्छा काम किए हैं और जमबाजी काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। इन लोगों को हम लोग देखेंगे, पुरस्कार देने का हम लोग करेंगे, बहुत जमबाजी काम। इन महिला सिपाहियों की जाबाजी की चर्चा आज बिहार में हर तरफ हो रही है, हर कोई इनके हौसले को सलाम कर रहा है। फिलहाल पुलिस बाइक और सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने साध्वी बनने की बातें खूब सुनी होंगी, लेकिन कम उम्र में ही इस ओर रुख कर जाना बड़ी बात होती है।
गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक बड़े हीरा कारोबारी की बच्ची ने जिंदगी में नई राह चुन ली। इस दौरान वहां संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। इस शोभा यात्रा में सभी की निगाहें सिर्फ इस बच्ची पर है। इस मंच पर सभी टकटकी लगाए सिर्फ 8 साल की देवांशी को देखते रहे। सूरत में ये 35,000 लोगों की भीड़ सिर्फ देवांशी को देखने के लिए पहुंची है। अपने माता पिता के आंचल में दिख रही इस बेटी को ये सांसारिक दुनिया रास नहीं आई और महज 8 साल की उम्र में भौतिक संसार को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। ये सुनकर आप हैरत में होंगे, लेकिन ये सच है। ये कोई आम तस्वीरें नहीं है। दरअसल मंच पर सज धज कर खड़ी नन्ही देवांशी ने अब सांसारिक मोह बंधन त्याग दिया है। वो दीक्षा ग्रहण कर अब साध्वी बन गई है। उन्हें साध्वी दिगंत प्रज्ञाश्री के नाम से नई पहचान मिली है। बताया जाता है कि बचपन से ही देवांशी को धार्मिक कार्यों में रुचि थी। जब जन्म चे नहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि पुनर्जन्म चे, जो आगे का जन्म उसका हुआ नहीं, उनसे पहले वो धर्मात्मा थी और धर्मात्मा का जो इसका जो विचार है, सोच, वो धर्मात्मा का सब नियम लेके ही जन्मी। देवांशी के पिता धनेश्वर संघवी मूल रूप से राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें सूरत और मुंबई में बड़े हीरा कारोबारी के तौर पर जाना जाता है। देवांशी चाहती तो पूरी जिंदगी ठाठ बाट से गुजार सकती थी, पर उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। धार्मिक परिवार है और बहुत उम्र में भी इतनी छोटी उम्र में इतना धर्म करती है कि बड़ा भी नहीं कर सकता। इतनी धर्म करती है, अपनों को भी कल्पना नहीं होती। रात्रि भोजन का त्याग है उसको, 24 दिन के बाद रात्रि भोजन का त्याग। वो अभक्ष्य नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, होटल नहीं, पिक्चर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें संस्कार जो दिया है ना माता पिता ने, विश्व में असल। सूरत के वेसू इलाकों में आयोजित इस दीक्षा समारोह में करीब 35,000 लोग पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में दीक्षा की विधि पूरी की गई। इससे पहले देवांशी की शोभा यात्रा निकली, जिसमें हाथी, घोड़ा और बैंड बाजे के साथ कई लोग शामिल हुए। उनका जो जन्म से उसका जब डिलीवरी हुआ, 4 दिन के बाद ही उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग करवा दिया उसकी मम्मी ने। 4 दिन बाद उसको रात को दूध भी नहीं देते थे उसकी मम्मी। और वो उसका इतना ऊपर लिख कर आई है कि कुछ देवात्मा तरह की परी बन के आई है, परी बन के सबकी नजरों के सामने वो दीक्षा ग्रहण किया, उससे ज्यादा क्या बोले। समय मार्ग चुनने से पहले देवांशी अपने गुरु के साथ करीब 600 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुकी है। अब वो एक नए रास्ते पर चलेगी, जहां धर्म और सेवा भाव सबसे ऊपर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।